एक हैप्पी और इंटरेस्टिंग लाइफ के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। डेली रूटीन, गिव योरसेल्फ एक्स्ट्रा टाइम, मेक समथिंग इंटरेस्टिंग। ये सब बातें मेरे मुताबिक हैं। साइंस क्या कहती है मुझे नहीं पता। और अगर आपको अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनानी है तो सबसे पहले आपको अपनी डेली रूटीन सेट करनी होगी। मैंने भी अपनी डेली रूटीन सेट करनी है क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनानी है। तो डेली रूटीन बनाने का रूल नंबर वन, सब चीज़ें नोट डाउन कर लें। यूजली लोग चीज़ें नोट करने के लिए नोट पैड यूज़ करते हैं, बट मैं अपनी चीज़ें इस तरह नोट करता हूँ। सबसे पहले मुझे अलार्म सेट करना है, क्योंकि अगर अलार्म सेट नहीं होगा तो मैं उठूंगा कैसे। सो अलार्म सेट हो गए हैं। मैंने सुबह के लिए दो अलार्म सेट किए हैं, एक सुबह 6 बजे का नमाज के लिए और एक सुबह 8 बजे का, क्योंकि मेरी क्लास सुबह 8 बजे ऑनलाइन होती है। बाय द वे, मैं BBA ऑनर्स कर रहा हूँ, सो जो मेरी क्लास सुबह 8 बजे होती है वो BBA ऑनर्स की ही होती है। मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। तो जो मैंने अपनी रूटीन सेट की है, मैं सुबह 6 बजे नमाज के बाद रनिंग पे जाता हूँ। यूजली मैं रेगुलर नहीं जाता, जब मेरा मूड होता है मैं तभी जाता हूँ। बट देन उसके बाद मैं शावर लेके अपनी क्लास अटेंड करता हूँ। मेरी क्लासेस सुबह 8 बजे से ऑनवर्ड 3 बजे तक चलती हैं। समझ कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी क्लासेस लेनी पड़ती हैं। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा मसला, समझ कुछ भी नहीं आता और वो मज़ा नहीं आता जो फिज़िकल लेक्चर्स में आता है। लेक्चर से फ्री होकर मैं अपने काम ख़त्म करता हूँ, लाइक वीडियो शूट्स, एडिटिंग वगैरह। मैं और भी प्लेटफॉर्म रन कर रहा हूँ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब सारी बातें पहले ब्लॉग में थोड़ी बतानी है। फिर मैं अपने डेली के असाइनमेंट्स कंप्लीट करता हूँ और लेक्चर्स नोट करता हूँ, क्योंकि 3.5 से अबव CGPA मेंटेन रखने के लिए ये करना पड़ता है। इस सब के बाद मैं अपना सोशल मीडिया चेक करता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। लेकिन फिर नींद मजाल है कि 2 या 3 बजे से पहले आ जाए।